मतलब कि पानी हर रात पब्लिक का सुविधा मिला है, सबका आराम रहा है। हम तो अपा का आराम चाहे थे, लेकिन तुम तो कोनो दिक्कत में हम लोग के पीछे तो बर्बाद हो है। I'm a BBC journalist and I live in California. I'm a BBC journalist and I live in Delhi. It's dry in my state. It's dry in many states in India. It's the driest it's been in California in 165 years of recorded history. Well, India has seen more than 40 severe droughts in the last 200 years alone. In Los Angeles, if I go out to eat with my friends, I have to request a glass of water. I'm not automatically just served it. Well, those in central India have to walk for miles to get their glass of water. इनके यहाँ दिक्कत का हुई है। मेरी शादी हो गई है, लगभग 15 साल हो गए। तो जब से मैं आई हूँ तो मतलब मुझसे बर्तन रखता नहीं बनता है सिर में। जो सिर में रखी बर्तन तो मेरा सिर दर्द करने लगता है, हाथ पांव भी दर्द करते हैं पानी उठाने से, चल के ले जाने में। और बार भी मतलब डिब्बा उठा ऐसे इधर उधर किए, ऐसे पूरे एकदम छोटे पड़ गए हैं। और कभी गाँव के पास एक कुएँ है तो उससे लाते थे पीने उने के लाने, तो वो सूख गया है, उसमें एक भी पानी नहीं है। अब यहाँ से ले जाते हैं, नहीं हर काम इससे करते हैं, तो बस इसी इस्तेमाल इसी तरह करते हैं जैसे नहाते हैं। अब हमको क्या पता माँ बाप शादी करें, अब हम क्या जाने कि पानी का प्रॉब्लम है कि नहीं है। बस यही है, पाँच किलोमीटर है, पानी लेके आते हैं जाते हैं, सुबह ले जाते हैं और फिर शाम के जब चुक जाता शाम के लेने आते हैं। वो कौन लड़की अपनी दे, अब वो तो देगा जब सब कुछ होगा कि लड़की मेरी परेशान न हो, भूखन न मरे, उसका प्रतिपाल हो। अब यहाँ पानी का एक एक बूंद आदमी कलप रहा है, जमीन 4 इंच बाद पत्थर है, वहाँ खेती सूख जाती है। और आप में से कौन है जो जिनकी शादी नहीं हो पाई है इस समस्या की वजह से? आप प्रमोद जी हैं, और कौन है? सौ परसेंट में सोचिए कि 80% ऐसे हैं जो बगैर शादी के पड़े हुए हैं। हम सब नौजवान आपस में मिलकर के बात करते हैं कि ये समस्या कैसे दूर किया जाए, तो अब उतने पढ़े लिखे भी मैडम नहीं है कि हम लोग सक्षम हैं, तो हम हर अधिकारियों से जा कर के बात करें, अपनी समस्या ले जाएं। बॉम्बे जाते हैं हम लोग, वहाँ पर ये जो भैंसे हैं इनको वहाँ भूसा चारा खिलाते हैं, फिर वहाँ से घर के लिए दिल किया, यहाँ भी देखना पड़ता है, माँ हैं बाप हैं बूढ़े बूढ़े, उनको भी देखना है, यहाँ पानी की समस्या है, वो दूर से पानी नहीं ला पाते हैं। सर झगड़ा हो जाता है पानी में, अब जैसे भरने गए पानी नहीं है और एक साथ लोग पानी भरने लगे तो उसमें बवाल पड़ जाता है। लेकिन यदि आज की आवेश में जो सरकार वहाँ से सुविधा देती है हम लोगों के लिए, वो सुविधा यहाँ कर्मचारी अधिकारियों के द्वारा सब खा जाते, हमको कुछ नहीं मिलता। तो यही बात आती है कि मेरी नसीब में ये लोग झूठ बोल के यहाँ ले आए हैं। अकेलापन महसूस होता है हमको, हमको भी लगता है हम भी शादी करवाएं, हमारी भी उन्हीं आगे के लिए बढ़े। लेकिन जब ये पानी का समस्या देख लिए तो फिर कहते हैं कि बहना आप वहाँ शादी मत कराइए।